पहले मीडिया के सब साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं पंचैरी से हूँ, सोशल एक्टिविस्ट। जो आज की जो प्रेस वार्ता है, ये एक जो हमारे ब्लॉक पंचैरी में एक बहुत, जिसको मैं आशा आशा वर्कर घोटाला कहूँगा, मैं उसको लेकर ये बात करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले 19/2/2021 को BMO साहब एक आशा वर्करों का ऑर्डर करते हैं और 13 मार्च को उनका डिसंगेज कर देते हैं। हम जैसे ये पूछना चाहते हैं BMO साहब से कि वो किस बेसिस पे उनको डिसंगेज कर रहे हैं, वो हरासमेंट कर रहे हैं। और मैं, मेरे साथ एक साथी है, ऐसे कई अनेक केस हैं वहाँ पे। एक मेरे साथ साथी आए हुए हैं, इनकी घरवाली जो है, इनकी वाइफ थी, उनको आशा वर्कर का उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था जो हमारे पास पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो प्रॉपर मीटिंग में आती रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑर्डर किया उसके बाद बार बार वो कहते हैं, BMO साहब कहते हैं मेरे ऊपर पोलिटिकल प्रेशर है, पोलिटिकल प्रेशर है। आखिरकार उन्होंने 13 तारीख को उनको डिसंगेज कर दिया। उनको कहा कि आप बिल्कुल भी कोई मीटिंग में मत आइए। और हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों हरासमेंट कर रहे हैं। और सुनने में आ रही है इनसे बार बार वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि हमें, अगर आपने पैसे दिए तो हम ऑर्डर रखेंगे, नहीं तो आपको डिसंगेज कर देंगे। और आखिर में वही हुआ है, जो गरीब बंदे हैं इनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने उनको डिसंगेज कर दिया। और फ़ोन करके फिर से ये बार बार कह रहे हैं, फिर से बार बार कह रहे हैं कि आप मत आइए। और ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, हमारी लटियार पंचायत में भी सेम टू सेम ऐसे ही केसेस हैं। लांतर में है, दंदोता में, सदोता में, और मीर में, मैं जिस पंचायत का खुद हूँ वहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही केसेस है। मैं जे सीधा जाम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पक्का प्रूफ है। कल के लिए मैं इनको, अगर मेरे को कहीं पर भी ये बुलाते हैं तो मैं वो साबित करने के लिए साबित कर सकता हूँ इसको।